जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत बड़ी खबर, गुड न्यूज आ रही है। अवध विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फैजाबाद एमएड एलएलएम एलएलबी बी फार्मा और डी फार्मा के जिन बच्चों का प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम 2022 25 जुलाई को होना था, उनका एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं बिना किसी देरी के कि कैसे आपको डाउनलोड करना है ये एडमिट कार्ड। तो आ गए हम अवध विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे। वेबसाइट के को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट कॉर्नर आएगा और स्टूडेंट कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन मिलता है एडमिट कार्ड का। तो हमने यहाँ देखा, ये रहा हमारा स्टूडेंट कॉर्नर। और इस स्टूडेंट कॉर्नर में आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, वो ऑप्शन होगा एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड में आप जैसे ही दोस्तों आप अपना, ये रहा एडमिट कार्ड, ठीक है। इस एडमिट कार्ड पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही दोस्तों कुछ इस प्रकार का हमारे पास इंटरफेस आ जाता है। और यहाँ पे आपको डालना है आपका एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर कैसे डालेंगे, पहले कैपिटल में जे ई डाल दीजिएगा और फिर भी जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर हो आप यहाँ से एंटर करेंगे, जैसे कि 2201 और इसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर हो यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से डालिएगा, पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपने डाल दिया 01 और फिर आपने डाल दिया 02 और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर होगा 1998। इस प्रकार से आप यहां से जैसे ही दोस्तों प्रिंट एडमिट कार्ड पे आते हैं आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो ये आपका दोस्तों एडमिट कार्ड प्रवेश परीक्षा का आपका यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका कैंडिडेट नेम यहाँ पे लिखा रहेगा, नीचे रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है। तो जो जिस दोस्त का ये है उसने मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड के लिए अप्लाई किया हुआ है एमएड। और आप देखेंगे यहाँ पे फादर्स नेम मेल ओबीसी, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखी रहेंगी। नीचे कैंडिडेट का सिग्नेचर रहेगा और एग्ज़ाम डेट आपको 25 जुलाई को देना है। दोपहर 2 बजे से शुरू होगा और 5 बजे तक। इसके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको कहा गया है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे ही आना है, ये एग्ज़ाम सेंटर चेंज होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एग्ज़ाम शुरू होने से आधे घंटे पहले आपको पहुंच जाना है, यानी कि 1:30 बजे तक आपको एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच जाना है। बाकी आपको कोई भी सादा पेज या फिर कोई लिफाफा, क्लिपबोर्ड, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल डायरीज या फिर डिजिटल घड़ी, ये सब कुछ लेके नहीं जाना है, ये प्रोहिबिटेड है, आपका यहाँ पर मना है। चौथा है दोस्तों, आपका जो ओरिजिनल ओएमआर बुकलेट होगा वो आपको इन्विजिलेटर को सौंप देना है, आपको अपने साथ लेकर नहीं आना है, वो उनको दे देना है। पांचवा है दोस्तों, अगर आपका किसी भी तरह से कोई इशू पाया जाता है नकल करते हुए या फिर कोई भी आप गलत चीज़ करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपकी यहाँ पर रद्द कर दी जाएगी एडमिशन्स। और छठा है दोस्तों, आप केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करेंगे। जी हाँ, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू बी फिल इन द सर्कल इन द आंसर फॉर्म, जो भी आपको सर्कल करना है वो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही आपको सर्कल करना है और बड़े ही सावधानी के साथ करना है और COVID-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। एग्जांपल के तौर पे आपको मास्क पहन के आना है और ये सारी आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपके एमएड एलएलबी बी फार्मा और डी फार्मा के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, आपको आना कहाँ है, आईईटी कैंपस, अवध विश्वविद्यालय का जो आईईटी कैंपस है उस कैंपस में आना है। आपकी परीक्षाएं शुरू होंगी 2 बजे से 5 बजे तक चलेंगी, आधा घंटा पहले ही आपको वहाँ पर आ जाना है। दोस्तों इस प्रकार से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। अवध विश्वविद्यालय ने आपके प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आप कौन से कोर्स के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं और आपका एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी कोई समस्या आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बता सकते हैं। बाकी यह जरूर बताइए कि आप कौन से कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि उनका एक भी बच्चे का एग्ज़ाम मिस ना हो, हर एक बच्चा अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दे और अच्छे नंबर से पास हो और गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो हमारी तरफ से आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएँ दोस्तों। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, तैयारी करके जाइए और एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आपको हर एक पल पल की सूचना, जैसे कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, इसके आंसर्स कैसे चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर बताई जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ में घंटी वाले बेल आइकन पर क्लिक करना है और चैनल से जुड़े रहना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं आपको। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।